हेलो गाइस, तो आज एक अलग वीडियो है। इस एसटी को निकलने के लिए बहुत लोग बहुत परेशान होते हैं, क्योंकि ये जो क्लिप लगा हुआ है इसमें इस सोल्डरिंग को निकलने के लिए बहुत परेशान होना पड़ता है। कभी कभार उतरते नहीं, जो इसका ट्रैक है वो उतर जाता है, और जो ये अंदर लगा हुआ है कैब उसको उठाने के लिए बहुत परेशान हो जाता है। ठीक है, तो इसको किस तरह से आसानी से उठा सकते हो आप, लेकिन आप क्योंकि क्या करते हैं, एसटी को उठाने के लिए आयरन लेता है आपका कितना, 25 वाट का। तो इस एसटी को उठाने के लिए आपको परेशानी करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपके पास अगर अलग कम करने के लिए अलग आयरन ले लीजिए, और अगर 25 से ऊपर आयरन लेते हैं तो क्या होगा, आपका 35-50 वाट का अगर आयरन लेते हैं तो इसको बहुत ही आसान तरीके से उठाया जा सकता है, वो भी आपका सोल्डरिंग पाम की मदद से। ठीक है गाइस, तो उसके लिए आपको सुई की ज़रूरत नहीं है। जैसे कोई कोई लोग क्या करते हैं, सुई ले लेते हैं, तो सुई की मदद से इसको लगाते रहते हैं, तो उसके बाद में क्या करते हैं, बहुत टाइम लग जाता है गाइस। तो इसके लिए आपको ये टाइम की ज़रूरत है ही नहीं, आपको बहुत ही आसान तरीके से उठा सकते हैं। ये जो डीसोल्डरिंग का जो पाम है सोल्डरिंग का, तो आपका पाम भी अच्छा क्वालिटी का भी नहीं चाहिए, आप कोई भी क्वालिटी का ले लो पाम, तब भी आपका ये उतर जाएगा। लेकिन आपका जो आयरन है वो आपको मस्त होना पड़ता है। सबसे पहले तो आपको आयरन जो है वो बढ़िया लीजिए, और वार्ड एसटी को खोलने के लिए आयरन वो बढ़िया चाहिए, और वार्ड भी बेस्ट चाहिए। अगर आपका छोटा आयरन से काम कर रहा है तो आपको इसको निकलने के लिए बहुत परेशान करना पड़ेगा। सुई से खोचिए क्या करिए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मैं उस टाइप का नहीं करता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास 50 वाट का आयरन है, तो उससे से मैं सोल्डरिंग का ये आयरन है सोल्डरिंग का। ठीक है, तो उसके लिए मैं 50 वाट यूज़ करता हूँ, तो मेरा ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, हाथों हाथ ही उठा जाता है। एक ही बार में हमारा जो ये पाम है, इतना जितने भी सोल्डरिंग है इसमें एक या दो बार में ही आपका ये काम पूरा फिनिश कर देता है। आपका ट्रैक का कोई उतरने का भी झंझट नहीं है, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है गाइस, तो बने रहिए मेरे साथ में। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर आपको फोकस करना है। तो मेरा जो आयरन है मैं ले रहा हूँ, जो कि आजकल मेरा आयरन बहुत ही ज्यादा है हीट होने लग गया, क्योंकि लॉकडाउन है, सबका दुकान बंद रहता है, तो मेरा आयरन देख सकते कितना काला पर गया है गैस, तो ज़्यादा गर्म हो रहा है ये, तो इसको मैं यहाँ पर देख सकते पूरा बिकल गया है। तो मैं यहाँ से डिसोल्डरिंग पाम इसको यूज करता हूँ, तो देख सकते हैं मेरा काफ़ी हद तक ये हट चुका है। तो और एक बार देने से पूरा जो मैं अभी रिकॉर्डिंग के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, तब भी मैं आपको दिखाता हूँ कितना आसानी से ये उतर जाता है। हेलो गाइस, तो आप अगर इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करते हैं तो आयरन कई प्रकार का रखिए, क्योंकि आयरन एक आयरन से आपका काम चलने वाला नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि एक ही आयरन में आप काम चला देंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम होगा, क्योंकि अगर 50 वाट आयरन रखते हैं तो आपके लिए उसके लिए भी 25 वाट का आयरन जो है वो कॉमन है, आपको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए अलग अलग आप ये 50 वाट का जो आयरन है ये आईसी पे आप नहीं लगा सकते हो, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हीट होता है। तो इसके लिए आपको आईसी में लगाने से आपका क्या होगा, वो आईसी का ट्रैक जो है वो फट जाएगा। ठीक है, तो मैं देख सकते हैं एक ही बार में मेरा काफ़ी हद तक ये हट चुका है, और ये देख सकते हैं पिन पूरा का पूरा अंदर से लेके आ चुका है एक ही बार में, जो आपको सुई लेके इसको खोचा खोची नहीं करना है। सुई आपका गर्म हो जाएगा तो हाथ पे भी लग सकता है आपका। अगर अच्छे से सोल्डरिंग पाम एक बार इस पे अच्छे से लग जाए तो आपका ये एक ही बार में काम हो सकता है, और ये ज़्यादा झंझट होता है ये वाला जो अंदर क्लिप लगाओ उसको उतरेंगे, तो देख सकते हैं मेरा एक ही बार में ये अब बाहर आ चुका है, और ये देख सकते हैं इसको भी हट चुका है, इसको अभी निकल देने से निकल जाएगा एसटी, तभी मैं थोड़ा सा साफ कर लेता हूँ इसको। आपका आयरन का ऊपर डिपेंड करता है ज़्यादा, अगर आयरन अच्छा है तो आपको एसटी उतरने के लिए कुछ भी झंझट करने का नहीं है, आप कोई भी एसटी उतर सकते हो अच्छे से।
और लास्ट पे अगर थोड़ा थोड़ा बचा हुआ है तो इसको भी आप आसानी से उतर सकते हो इसके अंदर से। तो मेरा काफी रात तक ये हट चुका है, तो देख सकते हैं एसटी आ चुका है हाथों में। और यहाँ पर ट्रैक भी देख सकते हैं, कुछ खराब भी नहीं हुआ, तो आसानी से आ चुका है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर से कीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाना और शेयर जरूर से कीजिए मेरे वीडियो को, ठीक है। तो आगे तक फैलाइए, ठीक है, कुछ और भी सामने लोग जाने वीडियो को देखे, ठीक है। बस तो चलिए इसको यहाँ पर ही खत्म करता हूँ, तो छोटा सा वीडियो था।